चैत्र रामनवमी के मद्देनजर गुरुवार को श्रद्धालुओं ने गोलघर स्थित काली मंदिर पहुंचकर मां का दर्शन किया और मां काली की आराधना की, जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी के पुत्र सनी कुमार सैनी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मंदिरों में एक बार में सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की छूट दी गई है, जिसके अनुसार काली मंदिर में एक बार में 5 श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस व मास्क के साथ आने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि नाइट कर्फ्यू को देखते हुए सुबह 7 बजे मंदिर खोला जा रहा है तथा रात्रि 8 बजे मंदिर को बंद कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हुई थी, लेकिन जनपद में मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर के एंट्री गेट पर श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज करवाकर ही मंदिर में जाने दिया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र सनी कुमार सैनी ने कहा, सनी कुमार सैनी काली मंदिर पुजारी। आराधन चल रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, उन लोगों के नियमों का पालन कर रहा है और अभी तक कितने श्रद्धालु दिन में एक टाइम में 5 से ज़्यादा मेंबर अलाउ नहीं है मंदिर में। मास्क सबके लिए अनिवार्य है, सैनिटाइज़र हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर रहना और लॉकडाउन जैसा कि गवर्नमेंट ने यहाँ के DM बोले हैं कि 7 सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मंदिर खुला रहेगा और 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाएगा और ये एक बार में 5 से 6 लोग अलाउ हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है? अब इस समय तो भीड़ भाड़ तो हो नहीं रही है, सब आपके सामने है। जैसा कि पहले लाइन लगती थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, COVID-19 की वजह से ज़्यादा भीड़ हो नहीं रही है और यहाँ पे बिक्री पे भी लोगों के बहुत असर पड़ रहा है।